अभिषेक शुक्ला, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बच्चों का एनटीयूजीसी नेट के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एक वेडनेसडे यहाँ पे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आप सभी बच्चों के ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे करवाए जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अगर बात करें छोटी सी एक मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला, एज यू ऑल नो, एंड आई हैव मोर देन 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, एंड आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एनटेक कॉमर्स एंड फॉर पेपर वन फॉर एनटीयूजीसी नेट। एंड यह एक कोड है ABHI101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एजुकेटर की क्लास पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ पढ़ना चाहें तो आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट के साथ आप सभी बच्चे लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर बात करें एक छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अनअकैडमी के बारे में, सो यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। प्लस के कोर्सेज में अगर लेते हैं सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकॉनिक के कोर्सेज में लेते हैं तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको SOP सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात करें आप प्लस कोर्स के कोड के लिए, अगर आप कोई कोड इस्तेमाल करें जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, तो वो है आपका अभी 101, चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक, तो इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं तो आपकी ये कुछ बेनिफिट्स है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग और ध्यान रखेंगे सभी बच्चे लोग। आपके पास जैसे ये वैलिडिटी शो हो रहा है, वैलिडिटी के साथ आपके प्राइसेस शो हो रहे हैं, इन प्राइसेस के साथ आप लोगों को ये अप्लाई वाला ऑप्शन हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे अभी 101 ABHI 101 का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। और आपके साथ मैं अभिषेक शुक्ला और आपके साथ ये 5 फैकल्टीज और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि 2022 में स्टार्ट होने, 2022 के लिए जिन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है, इसलिए बैच का नाम भी हमने लक्ष्य रखा हुआ है कंप्लीट पेपर वन। काफी बच्चों का ये डाउट है ना कि सर कोई बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आइए जिसके आधार पे हमारा कंप्लीट पेपर वन तैयार हो सके। तो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैं आप सभी बच्चों से, सभी बच्चों का ये कोर्स 10 जनवरी से मैं आप लोगों को टीच करूंगा, 10 जनवरी से 17 जनवरी तक, जिसमें हम कंप्लीट हायर एजुकेशन की थ्योरी करेंगे प्लस की कोर्स में। एनरोल कैसे करना है, अभी 101 कोड अप्लाई करके। बात करें तो ये बेनिफिट्स आपके रहे, प्लस आइकॉनिक के बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जिससे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन यू कैन क्लेम फॉर योर प्राइज ऑन रिगार्ड्स ऑफ पर्टिकुलर इशू। एंड यू हैव अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज गिवन बिलो, एंड ऑल्सो माई प्रोफाइल लिंक यू कैन फॉलो देयर इफ यू डिड नॉट फॉलो राइट नाउ। और आप सभी बच्चे लोग गो के लिए स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप एनवेस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए कोई क्लास मिस नहीं करना, डेली लेक्चर नोट्स आपको कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। अब इस किसी भी डिवाइस का मतलब ये नहीं कि सैमसंग गुरु या फिर नोकिया 632 वाला लेकर चल रहे हैं और उसमें कहेंगे अरे सर इसमें मेरी क्लास नहीं चल रही है भाई, तो अब नोकिया के मालिक से बात करना पड़ेगा क्यों नहीं चल रही क्लास। तो आप सभी बच्चों के लिए अपकमिंग स्पेशल्स भी अवेलेबल हैं, और आप सभी बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, तो जाके देख सकते हैं। ये पेपर वन के लिए आपकी कुछ टॉप फैकल्टीज लेके आए हुए हैं बैचेस, जो कि 10 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और चलिए ये कुछ बेनिफिट्स, अच्छा ये दोबारा आपका स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड। चलिए तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आई थिंक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, तो क्या थे वो हमारे कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। अबे आपने तो आंसर देख ही लिया होगा ये वाला भाई, तो ओ ओ ओ ओ, ओ। चलिए सो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करें। अ मॉडेम इज अ कनेक्टेड बिटवीन अ टेलीफोन लाइन, दैट इज एक मॉडेम को अगर टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है तो वो किस आधार पर जुड़ा होता है, वो किस बेस पर जुड़ा होता है, नेटवर्क के द्वारा, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन अडेप्टर या फिर सीरियल पोर्ट के द्वारा। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा आंसर। चलिए
तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? अ मॉडेम इज कनेक्टेड इन अ बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड अ नेटवर्क, किसके बीच में? टेलीफोन लाइन और दूसरे किसके बीच में कनेक्ट होता है? नेटवर्क के बीच में, कंप्यूटर के बीच में, कम्युनिकेशन अडैप्टर के बीच में, या फिर सीरियल पोर्ट के बीच में? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन अडैप्टर के अंदर, आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, आंसर सभी बच्चे लोग कर रहे हैं उम्मीद करता हूं। देखो एक्चुअली क्या है, आप सभी बच्चों के काफी डाउट्स होते हैं कि क्या भाई सर मतलब हम इसके लिए केवीएस मदान की तरफ जाएं, अरिहंत की तरफ जाएं, या फिर बहुत अदर अलग अलग राइटर्स की बुक आते हैं उनकी तरफ जाएं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही राय दूंगा, आप सभी बच्चों की तैयारी ये केवीएस मदान और इससे नहीं होती, इससे प्रैक्टिस होती है। आप लोगों को बताया जाए तो इनसे तैयारी आप लोगों की, ये समझिए ये एक वो है, हथियार है आपके पास। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग अभी आपको आपके लिए हथियार दी जाती है, जो केवीएस मदान की कौन सा वाला हथियार ले, AK-47 ले या फिर MI-17 ले या F-12 F-17 ले, तो ये सब क्या एक हथियार है। लेकिन इनके चलाने का जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो दी जाती है ना, वो ये देखो 7 ईयर्स में दी जाती है, वो आपके जो 11th से 11th-12th विथ 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, ये क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है। आपका जितना बेहतर ट्रेनिंग होगा उतना ही बेहतर आपका हथियार, आप उतने अच्छे से यूज कर पाएंगे, मतलब क्या आप उतने ही अच्छे से आप अपने बुक्स को रीड कर पाएंगे, क्लियर है, और उतने अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को, क्या कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी आपके उसमें मतलब आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने अपने उसमें ग्रेजुएशन में उसको अगर अच्छे से पढ़ाया ना आपने, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये सब प्रैक्टिस बुक है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, बहुत अच्छी चीज है। बट अगर आपकी ट्रेनिंग जो दी है, मतलब आपको जो क्लासेस दी गई, अगर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन नेवर आप कभी भी इसमें अनसक्सेसफुल नहीं होगा, आपका JRF एकदम हंसते खेलते होगा, एकदम रजाई में आराम से सोएंगे 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, ज्यादा बोल दिया 12 घंटे तक, इससे 12 घंटे भी कहा 8 घंटे से 6 घंटे। अब लोग हैं कि भाई 12-12, 15-15 घंटे सो जाए तो अलग बात है ना, बाकी आप 5 से 6 घंटे, 7 से 8 घंटे सोते हैं इट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बाद आप पढ़ाई कीजिए और मस्ती भी कीजिए, खेल कूद कीजिए, तो ये जरूरी भी है, सारी चीजें जरूरी है, सिर्फ हमेशा पढ़ाई जरूरी नहीं है, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन ए स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस, उसको हम क्या कहते हैं, RCN, RON या फिर रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वैल्यू एडेड नेटवर्क। अरे सभी बच्चे को बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं भाई, हाँ तो सर बेस्ट हथियार बताओ, बेस्ट हथियार बताया तो आप लोगों को, आप कोई भी बुक यूज कर लो यार भाई, कोई भी बुक यूज कर लो। अब आपके सामने मेन है JRF, अभी समझे आपके सामने मेन आगे दुश्मन खड़ा है, मतलब है तो दोस्त ही, लेकिन दुश्मन को अगर हराना तो क्या करेंगे, आपको कोई भी हथियार सामने दे दिया, अगर आप निहत्थे हैं, आपके पास कुछ नहीं है बल्कि आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आपकी कोई भी बुक रही अच्छे से पढ़िए, बस आपको क्या है प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर लीजिए, तो सामने वाले दुश्मन को मार सकते हैं, ऑब्वियसली मार सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास गन वन अच्छे से रखा हुआ है तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और पेपर वन के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आपको एक बात ये भी बता दे, पेपर वन कभी भी फुल्ली प्रिपेयर कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि एक जनरल पेपर होता है, ये डायनेमिक पेपर, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और डायनेमिक के लिए कभी भी आपकी कोई चीज पूरी फुल्ली तरीके से वो प्रिपेयर नहीं होते। तो इसके लिए कभी आप लोग परेशान ना हो कि सर ये मेरा रह जाता है, वो रह जाता है, ये काश पढ़े, काश वो पढ़े, अरे यार एक घंटा और मिल गया होता ना तो मैं पार कर देता JRF पूरे, मतलब अलग ही, मतलब SRF पार कर देता। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ठीक है। आप लोग को जितना प्रैक्टिस करते हैं बस अपना पूरा 100% दें, तो आपका रिजल्ट भी नहीं 100% तो 90% तो आएगा भाई, क्यों, आउटपुट 90 तो निकलेगा, तो बट आप अपना 100% दे। तो बी आपका सही आंसर क्या, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, बुझ रहे हैं सभी लोग, सबको बुझ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ाई से पढ़ते पढ़ते आ गया।
चलो, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज बाई अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, एक संचार नेटवर्क को जो क्षत्रिय, राष्ट्रीय और वैश्विक में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? अमर, अकबर, एंथनी, क्योंकि तीन नाम है ना यहाँ पे, लैन वैन मैन, लैन वैन मैन वैन। चलो फटाफट बताएंगे, किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट होगा तो आप सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया क्लासेस को, फटाफट लाइक शेयर जरूर कर देंगे, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है, लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा यार, इसी से तो आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है यार, हम फैकल्टीज को। और आप सभी बच्चे लोगों का ये कहना है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वैन, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर अगर जिनका बी आ रहा है, डब्ल्यू ए एन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाइट के एक बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 32 बिट्स, कौन सा आंसर सही होगा? चलिए फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट, विच विल बी योर राइट आंसर? बी, 8 बिट, बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी बच्चों का काफी डाउट होता है कि भाई मतलब सर मतलब इसका मतलब आईसीटी के क्वेश्चंस करवा लीजिए, तो 16 आपके क्वेश्चंस करवा लिए गए हैं, तो फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 KB किलोबाइट एंड 1 MB मेगाबाइट आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, बराबर है 1024 बाइट एंड 1000 किलोबाइट, 1000 बाइट विद 1000 किलोबाइट, 1000 बाइट विद 1000 बाइट, 10000 बाइट्स या 1024 बाइट्स एंड 100 किलोबाइट। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए ए आपका बिल्कुल सही आंसर, 1024 बाइट्स और 1000 किलोबाइट, ठीक है, 1 KB और 1 MB में, नहीं 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 नहीं, हाँ सही तो है, हाँ सही बिल्कुल, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
एक कंप्यूटर की घड़ी की गति को मापा जाता है। एक कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स, जीगाबाइट्स, नैनो सेकेंड्स या फिर पिको सेकेंड्स या फिर बिट्स एंड मेगाबिट्स, मेगाहर्ट्ज या जीगाहर्ट्ज। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड जीगाहर्ट्ज विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो अब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? चलिए भाई, फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस विल बी योर राइट आंसर। कंप्यूटर अपने अंदर सभी गणितीय और तार्किक संचालन करता है, किसके आधार पर? इसलिए क्यों कहा जाता है ब्रेन कंप्यूटर? कभी जब किसी का मैथमेटिशियन मैथम जब किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो क्या कहते हैं? यार इसका ब्रेन कितना गजब है यार, इसका दिमाग कितना तेज काम करता है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना कि इसका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। तो ये दिमाग कौन है? कंप्यूटर का दिमाग कौन है भाई? कंप्यूटर का दिमाग आपका कौन है? सीपीयू। सीपीयू ही तो कंप्यूटर का आपके दिमाग का, तो इसलिए इसका आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीपीयू। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को? सो ए विल बी योर राइट आंसर, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा को क्या नाम दिया गया है भाई? What is the name given to the first generation computer languages? Binary languages, machine languages, primary languages या फिर assembly languages? चलिए, तो आपका आंसर आ गया बी, मशीन लैंग्वेजेस। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बोला जाता है भाई? मशीन लैंग्वेज की भाषा है। कैसी है भाई? मशीनी भाषा है, मशीन वाली भाषा, मशीनी टाइप की भाषा है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर देंगे, बिना रुके बिना किए नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर जरूर कर देना है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑटोमेटिक या लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैम रोम प्रोम। तो फटाफट क्या होगा? रैम रोम प्रोम। चलिए।
सो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज कीबोर्ड माउस ऑप्टिकल मार्कर एंड रीडर। ये आपके इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, कीबोर्ड, आपके माउस, आपके ऑप्टिकल मार्कर, रीडर। ठीक है, तो ये आपके किसके इनपुट डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत हो आप सभी स्टूडेंट्स बता सकते हैं। चलिए चलिए, द टर्म प्रोग्राम रेफर्स टू, कार्यक्रम का शब्द का अर्थ क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द कंप्यूटर्स इंटरनल डिजाइन, एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी, या एनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। सो क्या होगा आपका आंसर? चलिए चलिए, तो ए आपका बिल्कुल अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक क्रम। अच्छा, आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ ये पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबको मुझे पता है कि पता होगा इस बात का कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे यहाँ पे दिया अर्थमेटिक एंड सॉरी कीबोर्ड माउस ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस बोल दिया गया, लेकिन इनके मतलब कुछ तो आधार होगा इनका मतलब बोलने का ऐसा, क्योंकि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मुझे लगता है सबको पता होगा। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है कि आप जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं कि आपकी चीजों को डाटा, आप क्या करते हैं उसके अंदर डाटा फीड करते हैं, आप उसको क्या करते हैं एक वर्क देते हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो क्या करते हैं इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, बट उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आप किसी आधार पर देते हैं। कीबोर्ड के आधार पर आपने टाइप कर दिया, तुरंत दे दिया। ठीक है, माउस से आप कोई वर्क कर रहे हैं, इससे आप अपना डाटा फीड कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। तो डिवाइसेस विच कनेक्ट दैट डाटा, वो हमारे इस डाटा को कौन कनेक्ट कर रही है? डिवाइस कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं आउटपुट, इनपुट दे रहे हैं, इससे जो हमें मिल रहा है, जो हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है कुछ कुछ इन सब डिवाइसेस से, तो वो आपके आउटपुट डिवाइसेस बन जाते हैं। क्लियर? ठीक, जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें मिल रही है, मतलब हमें कुछ गेन हो रहा है, हमें कुछ आउटपुट मिला, दैट इज आउटपुट। इनपुट कुछ लगाया, आउटपुट कुछ मिला, और जिनके थ्रू भी मिला वो डिवाइस, जिन डिवाइसेस के थ्रू मिला वो आउटपुट डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस के थ्रू वो गया वो इनपुट डिवाइसेस। क्लियर 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 सभी को? चलिए फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दे ही दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, सी कॉमा सी प्लस प्लस जावा आर द एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर्स ब्रांड्स, द कंप्यूटर्स इंटरनल प्रो पार्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? एंड आप सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है, लाइक शेयर सभी बच्चों को करते जाना है। ठीक, लाइक शेयर सभी स्टूडेंट्स करके जाना है। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रोग्राम, ये जैसे आप लोग जाते हैं किसी भी, मतलब काफी साइबर कैफे में जाते हैं आप, मतलब अलग अलग जाते हैं, तो आप किसी भी चीज को, किसी लैंग्वेज को सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? किसी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, और इस लैंग्वेज के आधार पर आप आगे जो भी आपके अंदर मतलब एक स्किल डेवलप कर लेते हैं, एक लैंग्वेज अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, और इसी के आगे, इसी लैंग्वेज के आधार पर आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं सिस्टम्स के, एप्लीकेशन जो बनते हैं। भाई आपके जो एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, वो किसी ने आपके कोडिंग और डिकोडिंग से बनते हैं। आप उस कोडिंग और डिकोडिंग की जो लैंग्वेजेस हैं, वो सी के, सी सी प्लस प्लस जावा, ये सब क्या है, इन्हीं लैंग्वेज के आधार पे आप उसको कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। तो इसीलिए आपका यह आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर
राइट आंसर, ठीक है। तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये, किसके आधार है बच्चे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हो जाएंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं सभी को मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर होऊंगा, एम आई क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लाइक शेयर सभी लोग करते जाएंगे। यूनिक्स, डॉट, डॉस, विंडोज किसके उदाहरण है? यूनिक्स, डीओएस, विंडोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसर्स या फिर कमर्शियल कंप्यूटर ब्रांड्स। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। मन सोशियोलॉजी को हिंदी स्टडी कौन करवाता है? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी थोड़ा सा मुझे आई थिंक देखना पड़ेगा, देन आई कैन इन्फॉर्म यू ऑल। जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि सोशियोलॉजी कौन करवाता है, थोड़ा सा मुझे एक बार देखना पड़ेगा साथियों, ठीक है, देन आप सभी बच्चों को मैं बता सकूंगा, ठीक है। आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, डीओएस, विंडोज आदि एग्जाम्पल, ये तो आपके ऑपरेटिंग, इन्हीं के आधार पर तो आपको पूरा विंडो चलता है ना। आपके जो भी सिस्टम चलते हैं आपके यूनिक्स, डीओएस, विंडोज के आधार पे तो आपका पूरे सिस्टम को आप ऑपरेट करते हो, है ना। तो यहाँ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण है, ठीक। कौनो डाउट हो तो बताए दो भैया। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये मुझे लगता है क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी थे, इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लास भी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, बहुत जबरदस्त लगी होगी। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और आपके ही प्यार सपोर्ट से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के प्यार व्यवहार से सब कुछ चलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स के, ठीक, तो आप सभी बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी बच्चों को जरूर आंसर किया जाएंगे। तो यह कोड है एक ABHI101, इस कोड का जैसे आप इस्तेमाल करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, इंस्टॉल करके आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में आप सभी बच्चों को सारे एजुकेटर की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चाहे आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए यह कोड एक सेंट्रल कोड, मतलब एक यूनिवर्सल कोड है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन के लिए भी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए भी फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं जो पहली बार बच्चे आ रहे हैं। और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप सभी स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या, मंदिर में आ गए हैं, लेकिन मंदिर में आ रहे हैं तो बिना घंटी बजाए नहीं जाते हैं अंदर, तो इसलिए घंटी बजाएंगे तभी भगवान का दर्शन होगा। और भगवान गुरु के बराबर, गुरु भगवान के बराबर होते हैं, है ना। और ऐसा मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि जो गुरु होता है, आखिर ईश्वर भी तो हमें एक अच्छी बातें, अच्छी चीजें सिखाते हैं। हम ईश्वर की चीजें जब पढ़ते हैं, उनके जो ग्रंथ पढ़ते हैं, इससे हमें अच्छी चीजें मिलती है और गुरु भी हमें अच्छी चीजें देता है, तो भगवान इसलिए गुरु के साथ कंपेयर किया जाता है हमेशा, है ना। तो जैसे मंदिर में जाते हैं और आप लोग एंटर करते ही घंटा बजाते हैं, तो इसी तरीके से आपको इसमें अगर एंटर करना है तो आपके लिए सब्सक्राइब करके बाद घंटी बजाना है, जिससे आपको सारे भगवान प्रकट मिले, मतलब सारे गुरुवर आपको प्रकट होते मिले, हमेशा नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ भी रहिए, मस्त भी रहिए, व्यस्त भी रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।